हूँ अस्मा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की सैलेड तैयार हो रही है। जी हाँ, मौसम के लिहाज के साथ, फलों के लिहाज के साथ आज मैं मौसम के फल और मैं लोबिया डाल के बनाने वाली हूँ सैलेड। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। चले आए, शुरू करते हैं उसको किस तरीके से बनाएंगे। आज हम दो अदर मैंगो ले लिए मैंने, आम जो लिए मैंने 64 लिए इसके मैंने क्यूब्स बना लिए, दो अदर सेब लिए इसके भी मैंने क्यूब्स बना लिए, दो अदद आड़ू लिए इसके भी मैंने क्यूब्स बना लिए, अमरूद बहुत अच्छे आए हुए थे, अमरूद 3 अदद लिए इसके भी मैंने क्यूब्स बना लिए, एक अदद वाइट लोबिया लिया, 1 कप के करीब वाइट लोबिया ले लिया मैंने, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लेंगे हम, 1 अदद लेमन लेंगे, 2 टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस लेंगे हम, इमली के सॉस लेंगे हम तकरीबन 2 टीस्पून, आइस शुगर लेंगे 2 टीस्पून, काला नमक लेंगे 1/2 टीस्पून। बहुत ही मज़े की सैलेड बन रही है। चलिए फटाफट से जल्दी से रेडी करें और हम सब मिलके सैलेड खाते हैं। इसी में बना लेती हूँ मैं, सब मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें काला नमक। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे बहन भाई, मेरे फ्रेंड्स, YouTube चैनल देखने वाले जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। ग्रीन चिल्ली भी चली गई इसमें, ग्रीन चिल्ली सॉस, इमली के सॉस ये भी चली गई इसमें, चली गई आइस शुगर, चाट मसाला, लोबिया डालेंगे इसमें वाइट। ये बनाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और अपने मेहमानों के आगे रखें। बहुत ही मज़े की ये सैलेड रेडी होती है। और इसमें चले गए हैं 1 कदर लेमन जूस, अच्छे से लेमन जूस इसमें डालें। लेमन जूस जो है मैंने अच्छे से 1 कदर डाल दिया इसमें, और सारी चीज़ें मिक्स करनी है इसको अच्छे से। बॉल छोटा था, मैंने इस बॉल को बड़े बॉल में ले डाल दिया है ताकि अच्छे से इसको मिक्स करने में आसानी हो। ये देखिए, बहुत ही मज़े की रेडी होती है। ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, इस सैलेड को तैयार करिएगा, रेडी करिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी ये सैलेड कैसी बनी है। ये देखें, रेडी हो गई सैलेड हमारी। देखें कितनी जूसी बनी है और बहुत ही मज़े की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।